अरे तुमने इतना सामान क्यों पैक किया? क्योंकि मुझे उन चीजों की जरूरत थी। कम पैक किया करो, जैसे मैंने किया है। चलो मैं तैयार हो गया हूँ। मुझे यूनिफॉर्म में तुम अच्छे लगते हो। और हाँ, क्या ये बात कोई समझेगा? एक बात बोलूं, ये सब टेंशन वेंशन छोड़ो, हम घर कब जाएंगे? ये जगह मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है मैं जिंदा हूँ। ये बहुत अच्छा वीकेंड होने वाला है, मैं फील कर पा रहा हूँ। बस थोड़ी सी शाम हो जाए। अरे बाप रे, हाय, हे, बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। हे, ये क्या हो रहा है? ये बेन है। मैंने तुम्हें उस बारे में बताया था। अभी बिजनेस की कुछ जरूरी बातों में बिजी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी इतना दूर नहीं रहे बचपन से। चलो जल्दी अंदर चलो। ये लोकेशन काफी अच्छा है। मैं बैग लेके आता हूँ। अगर तुम किसी परेशानी में फंस गए हो तो गिल्स हस्ली को कॉल कर लेना, ठीक है? वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे क्या मिला तुम्हें वहां पे? ओ जूता है, उसके अंदर क्या है? ये लो। इस खूबसूरती में आए हो कभी पहले? हाँ, बचपन में आया था पेरेंट्स के साथ। बहुत अच्छा। वैसे तुम्हें पता है इसके बारे में सारा फंक्शन? लेफ्ट से राइट दबाओ और फिर उल्टा। हाँ। जल्दी जाने की कोशिश मत करना। अगर मेरी मानो तो 2 से 3 मील 1 घंटे में सफर करना आसान है। ये खूबसूरती धीरे धीरे चलती है। समझ गया। सिर्फ तुम ही ये बार चलाओगे, सही कहा ना? हाँ ऐसा ही लगता है। ठीक है, कोई परेशानी हो तो कॉल करना। प्रॉब्लम? क्या यहीं रहने का प्लान है क्या? आओ मेरी मदद करो। शुभ यात्रा। तुम कुछ करोगे कि ऐसे ही फोन में लगे रहोगे? मुझे इस काम में मदद चाहिए, आओ। मुझे ये बोट चलाना नहीं आता। मैंने बहुत इंतजार किया इस वीकेंड के लिए। अच्छा, यहाँ मुझे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी वो काम के लिए बहुत परेशान है, खास तौर से प्रमोशन के लिए। मुझे इसका जज्बा बहुत पसंद है। वैसे ये करते क्या है? ओ ये गोल्डमैन फाइनेंस से फंड मैनेजर है। मुझे बॉटल ओपनर नहीं मिला। सब कुछ है मेरे पास। सही है। चीयर्स। वैसे तुम्हारा इस ट्रिप का मकसद क्या था? तुम्हें बेन कैसा लगा? सोफी खुश है तो अच्छे से रहना प्लीज। मैं तो हमेशा ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बेन अपने फोन में ही लगा हुआ है सारा दिन। मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं अभी। कुछ कहना चाहती हो क्या? तुम जाना चाहती हो? फिर कभी। कम ऑन, दैट्स इट। बोट चल रही है, परेशानी की वजह ही नहीं है।
सो हम यहाँ हैं बोट पर जंगल के बीच में मजे करते हुए। आ जाओ साथ में फोटो लेते हैं, यही तो हैं हमारी यादें। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और मेरी ये प्यारी गर्लफ्रेंड। सब ठीक है? मुझे अपना फोन चार्ज करना है। ओह, शायद कैट यहाँ चार्ज कर रही थी। मेरा काम ज्यादा जरूरी है। ये अच्छा है ना? ये मेरे लिए आरामदायक है। मुश्किल से खड़े होने की नौबत आई है। मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों कहीं गर्म जगह पे क्यों नहीं गए, सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगा कि हमें आना चाहिए, इतनी समय बाद की जरूरी था। मैंने सोचा कि हम दोनों साथ समय बिताते अकेले, तुम और मैं। हाँ बेबी, बिताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और एफर्ट करो ना प्लीज मेरे लिए। हाँ क्या तुम लोग ऊपर आना चाहोगे? थोड़ी देर कुछ खाते हैं, थोड़े फिशिंग करते हैं। हाँ ठीक है, फिशिंग के बारे में सोचेंगे। कम ऑन, अरे जल्दी निकलो यार, मैं बहुत देर से रोक के बैठा हूँ। बस 5 मिनट और। मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? अब बाहर जाना जरूरी हो गया है। तो तुम और बेन, वो बढ़िया है ना? तुम उसे पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल। तो आगे का क्या सोचा है? क्या क्या शादी करने के बारे में सोच रही हो? हाँ रुको, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। वैसे हमारी बात हुई है इस बारे में। क्या सच में? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी शादी के बारे में। बेन सब डायरेक्ट बोलता, उसको प्लानिंग पसंद है। अरे क्या बात है, ये आदत मुझे पसंद है उसकी। खैर तुम्हारा और माँ का क्या चल रहा है? अब तक तो तुमने बात कर ली होगी। माँ कैसा नहीं है, वो जल्दी प्लानिंग नहीं करता। हाँ लेकिन कुछ तो आइडिया होगा आगे का। पास्ट की वजह से हम उदास थे, सब प्लान करेंगे धीरे धीरे। वो खुश है, मैं खुश हूँ, बस इतना ही। पता है मॉम उसे पसंद करती थी, उन्होंने बोला था तुम्हें कोई तो अच्छा मिला। तुम्हें लगता है माँ बेन को पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ पर डैड के बारे में नहीं बोल सकती। वैसे पापा को कभी कोई बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया। याद है जब तुम माई को पहली बार घर लाई थी और तुम्हें किचन में पकड़ा गया? उसके बारे में बात मत करो। चक्कर। हाँ मॉम को वो पसंद नहीं था तो वो बोली मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ वो सही थी। वो तो है, मुझे खुशी है तुम्हारी। मैं भी। मुझे पता था यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था ऐसे ट्रिप पे। यही तो ट्रिप का मकसद था, सब छोड़ के एंजॉय करना। कुछ लोगों के पास अलग आइडिया है एंजॉय करने का। इस पानी से मछलियां मत पकड़ो क्योंकि ये जिंदा नहीं है। ऐसा क्यों? साइनो बैक्टीरिया, ये जगह इससे भरी है। साइनो क्या? इसमें बैक्टीरिया है जो नदी और नहर में कॉमन है, ये सालों से खराब हो गए हैं मौसम की वजह से। डरो मत, ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है,
और इससे ज्यादा से ज्यादा स्किन की बीमारी, वॉमिटिंग और डायरिया होता है। ठीक है, तुम ठीक रहोगे जब तक तुम इसे पीते नहीं, और मेरी मानो तो इसमें स्विमिंग भी मत करना। कोई प्लान भी नहीं था। थैंक यू बताने के लिए। शिट, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। hey, मुझसे दूर रखो ये गंदा पानी। आराम से। क्या है ये? क्या ये? मुझे लगता है तुम्हें शहर की याद आ रही है। ना, मैं नहीं। तुम आसपास देखो, कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितनी खाली और शांत जगह है। ना कोई है, ना बंदा, ना बंदे की जात, बिल्कुल शांत अकेले जंगल के बीच में। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या शहर छोड़कर कहीं घूमना चाहते हो? हाँ, तुम लोगों में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? फ्रेश एयर है यहाँ, आजादी है, ये पूरी जगह जन्नत है। कितना खूबसूरत है, वहां की परेशानी और टेंशन से बहुत दूर आ गए हैं हम। तुम लेट क्यों कर रहे हो? अब क्या करेंगे हम? तुम ऊपर जाओगे और उस गेट को खोलोगे, और जैसे ही हम निकल जाएंगे तुम उसको बंद कर देना, चाबी लेके ये गेट खोल देना, चाबी तुमको ऊपर मिलेगा, पानी का लेवल जैसे ही आए उसको वापस बंद कर देना। अगर ऐसी बातें तो तुम करो। तुम कह रहे थे कि तुम्हें बोट चलाना नहीं आता, इसलिए तुम जाके ये लो, जाओ। ये क्या है? गेट खोलने का तरीका है, ये लो। जेरी, तुम पुराने बंदर, क्या नई खबर है? कैसा लग रहा है? थका हुआ हूँ यार। क्या तुम बोर हो रहे हो? इसको चलाना बहुत आसान नहीं है, पता है? कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। पता है क्या? अब बेन के पास जाना है। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। थैंक यू। मार्क की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर संभाल लोगे? मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, ये बियर की वजह से हुआ। ऐसा मत सोचो, वो वीकेंड अकेले संभाल लेगा। लेकिन मुझे नहीं आता। तुम अगर फोन से हटोगे तो तुम्हें पता चलेगा। Come on, baby, please. ठीक है, इतना मुश्किल तो होगा नहीं अगर वो कर सकता है। ये क्या कहना चाहता है? जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ओके। इसको राइट मोड़ोगे तो गाड़ी लेफ्ट जाए। मुझे पता है। Thank you.
तुम दोनों बंदर चले जाओ यहां से। अरे ये क्या मजाक चल रहा है बे? ये मेरी बोट है गधो, बेवकूफ। अरे मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ भाई, ये गलती हो गई। दोस्त नहीं है तू मेरा, इस नुकसान की भरपाई करेगा क्या तू? देख मेरे बोट को, ये हमारा घर है गधो, तुम ऐसे ठोक के नहीं जा सकते, समझे? I'm really sorry. सॉरी कि तू, साले। तुम दोनों बंदर चले जाओ अपने बोट वाले घर के अंदर, समझे क्या? साले क्या बोला तूने मुझे? अभी ये खत्म नहीं हुआ हरामियों। चलते यार, मजा आएगा वहाँ पे। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स है वहाँ पे। अच्छा, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, आओ आराम से संभाल के। आराम से आओ, आराम से। ये कहां पर आ गए हम? मुझे भी नहीं पता है। ये जगह मैप और गाइड बुक में नहीं है, मैं तो बस इसे फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम खो गए। हेलो पापा, पापा। हाँ, सिग्नल बहुत बुरा है पापा। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, मॉम यहाँ होती तो उन्हें बहुत पसंद आता। हाँ, सोफी यहीं है, उसने हाय बोला। हम किसी जॉली फार्मर के पास है पापा। पापा शेट। चौंपर, चौंपर। कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनो, क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। वो तुम्हारे बोट में गिर गया, मैं भी वापस चला जाता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। क्यों? यहाँ रात में बहुत ज्यादा खतरा है। हाँ ठीक है, तुम मुझसे दूर रहो। चंपर, अब बहुत देर हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपका कुत्ता मिल जाए। ये सब क्या चल क्या रहा है? ये शायद हमसे कुत्ता ढूंढवाना चाहता था। चैंपर, चैंपर, क्या ये तुम हो?
तुम लोग खो गए हो। खैर, तुम्हें ड्रिंक्स चाहिए? हाँ, मैं कुछ पीना पसंद करूंगा। और मुझे एक ग्लास रेड वाइन चाहिए, या फिर बड़ा ग्लास व्हाइट वाइन का। व्हाइट वाइन? या हमारे पास गरम खाना खत्म हो गया है। तुम मजाक कर रही हो ना? हमारे पास मीट खत्म हो चुका है। खैर, जो भी हो, मेरे पास सैंडविच केक और चिप्स के भी पैकेट। तो डिनर में क्या है? तुम व्हाइट वाइन ले लेना, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए भी प्लीज, मैं भी आ रही हूँ। दो व्हाइट वाइन दे दीजिए प्लीज। मुझे बहुत प्यास लगी है, एक चिप्स की पैकेट भी ले लो ना। मुझे बहुत भूख लग रही है यार, और ये चिप्स में मेरी भूख मिटेगी नहीं। सिर्फ यही? दो पैकेट चिप्स के दे दीजिए ना प्लीज। फ्लेवर? स्कैम्पी फ्राइज। तुम पक्का कुछ नहीं लोगे? कितना पैसा हुआ? 1172 रुपीस। कार्ड है क्या आपके पास? कैश ओनली। चीयर्स। ये बहुत अच्छी जगह है ना दोस्त? मैंने इससे बहुत अच्छी जगह देखी है, इससे कई गुना बेटर। तुम्हें टेबल चाहिए? हाँ। क्या चाहिए आप लोगों को? तीन बियर दे दो प्लीज। तीसरा किसके लिए चाहिए? मुझे प्यास लगी है। अगर एक बच्चे के लिए हुआ तो बाहर निकाल दूंगी और आईडी देखूंगी। देखो वो बड़े हैं। पहले आईडी देखूंगी, उसके बाद ही सर्विस दूंगी। पता नहीं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि मैं अपना लाइसेंस खो दूंगी अगर मैंने किसी बच्चे को शराब दी तो। किसको पता चलेगा, हम यहाँ से नहीं है। मुझे पता है। और कोक कितने का है? लगभग 200 रुपए का। क्या क्या प्राइस है? अगर तुम्हें पसंद ना हो तो कहीं और से ले लो। ये वही लोग हैं। कौन? अरे जिसके बोट को तुमने ठोका था। मुझे अपना फोन दो। क्यों? एक पुलिस को कॉल करता हूँ। यहाँ पुलिस नहीं आने वाली है। यार ये जगह बहुत बेकार है। ऐसा ही है, पर शहर के बाहर है इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। नहीं, मैं नहीं देख सकती। कैट, इधर आओ इधर। हे, क्या ये वही है? कौन? वही जिन्होंने बोट को ठोका था। मुझे यहाँ रात को कोई परेशानी नहीं चाहिए, समझ गए? हाँ, तो तू किसको बंदर बोल रहा था रे? अरे ये तो बोट वाला बंदर है। हे, क्या बोला था मैंने? हमें अकेला छोड़ो, इससे तुम्हें कोई मतलब ये नहीं। ये मेरा बिजनेस है। देखिए, हमने आपको सॉरी बोल दिया था। सॉरी अपने पास देख, तुझे हमें पैसे देने हैं। ऐसे तो तुम्हें मुझे नया फोन देना पड़ेगा जो उस फालतू बोट से कई गुना ज्यादा महंगा है, समझे तुम? देखो मुझसे सब ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम है तो यहाँ पागल बने, ऐसा क्यों बोल रही हो? ओ, देखो कौन बोल रहा है, एक खड़ूस सी शक्ल के नेता। तुझे क्या लगता है कि तू हमें समझाएगी कि क्या करना है? मैं ब्रिस्टोनिया से। ओ ब्रिस्टोलियन की देवी, तुम सब के सब बेकार हो, समझी क्या? तुझे तो जहन्नुम में जाना चाहिए। सोचना भी मत, सोचना भी मत। समझ में नहीं आया? मैंने बोल दिया था। ओके ओके। कोई किसी को भी यहाँ नहीं मारेगा, मेरे पब में तो बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब निकलो यहाँ से। सुना ना तुम सबने, निकलो यहाँ से। मैं उनसे नहीं कह रही। कम ऑन, तुम इन गधों के साइड नहीं ले सकती। यहाँ पे आए बैठे थोड़ी देर, अब यहाँ से निकल जाओ। जल्दी जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हें ऐसी गोली मारूंगी कि दीवार में हमेशा के लिए छाप दूंगी। यकीन करो, चलो यहाँ से। मुझे नहीं समझ आ रहा हम यहाँ से क्यों जाएं? मेरा पब, मेरी मर्जी, अब निकलो यहाँ से। हाँ।
मैं माफी चाहती हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी तुम हुआ। ठीक हो? हम इतने भी बुरे नहीं हैं, सच में। मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। अरे नहीं, चलो चिल करते हैं, वाइन पियो। ये इधर का मशहूर है, कॉम्प्लीमेंट है इधर का। प्लीज तुम्हारी जर्नी के लिए, लेकिन आराम से पीना। देसी दारू की तरह महक रहा है। एंजॉय। मैं ये नहीं पीने वाला। अरे एक तो पीकर देखो। हमारे एक्स के लिए, हम सब के लिए। चीयर्स। 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 जैसा बास मार रहा था वैसा ही बेकार निकला। ठीक यार, वो शॉप वाली कितनी डरावनी थी ना। देखने दो, हम आ गए हैं दोस्त। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। पक्का हम ही हैं। नहीं पता है अभी कैसा लग रहा है। ठीक हो ना? हो, मुझे चढ़ गई है। अरे मेरा हाथ पकड़ो। पकड़ लिया। आराम से, जल्दी अंदर आ जाओ। मैं बोट पे आ रहा हूँ। आराम से। काफी अजीब समय बिता ना। सही कहा तुमने। आ रहा हूँ। ये मैं उड़ी। अच्छा हुआ है हम लोग अपने दारू खुद लाए हैं। अब तो सीधा कली उठेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए देखो अब नहीं। ये लो थोड़ा देसी दारू। हाँ पियो पियो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे डरो मत तुम लोग, ये लाइट भी हमसे मस्ती कर रहा है। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस सोने जा रहा हूँ। तुम ठीक हो जान? ठीक है। क्या वो ठीक है? हाँ ठीक है, वो बस ज्यादा पीने के बाद। मुझे तो कभी चढ़ती ही नहीं है। अरे अरे अरे, टेंशन मत लो, तुम दोनों चिल करो यार, बड़ा मजा। क्या हुआ? क्या हुआ? काम डाउन लेडीज, मैं देखता हूँ। ये क्या था? प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं हूं ना। ये किस लिए? जस्ट इन केस। जस्ट इन केस क्या? तुम्हें वो यूज नहीं करना है। अरे मैं नहीं करूंगा, मैं अब भी वापस आता हूँ। पागल कहीं के। कौन है भाई? कौन है? ये मजाक ठीक नहीं था। मार्क प्लीज वापस आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम भी सो जाना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये? मार्क मुझे सोने जाना है। ओह नो। वो सीधे शिकार करना पसंद है। तुम्हें क्या चाहिए? जो हमें मिलना चाहिए। सभी सभी क्या? रुको, आवाज लगाना अगर कोई आए तो। ठीक है। हाँ।
ए सुन, बांध दो इन्हें। ओए, वापस आ यहाँ पे। भागने की सोच भी मत। इतना घूम, यहाँ, चल इधर, चुपचाप से चल। काफी स्ट्रॉन्ग है ये। देखो जो तुम्हें चाहिए वो ले लो और हमें छोड़ दो। प्लीज वो मत लो, वो मेरी चीज़ है। ताकि तुम उस गंदगी को भुला पाओ, मतलब ही नहीं है। अब ये मेरा है। तुम्हारे पास कोई गंदी तस्वीर है? हेलो, ये कौन है? वो मेरी मॉम है, प्लीज कुछ भी ले लो, ये मत लेना। छोड़ दो यार, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। अरे चुप, ये हॉट है। परिवार में चलने वाली। चलो, जब मैं बोलूंगा तब चलेंगे। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। Oh my God. Max! 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 Max, मुझसे बात करो, Max! मुझसे बात करो! Max! मुझसे बात करो! ये क्या हो रहा है?
तुम्हारे पैसे मेरे कोई काम के नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा घोष। लेके आता हूँ उनको, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम आ रहे हो या नहीं? तुम बाहर जाओ इनके साथ, पुलिस को बुलाना और सावधानी से रहना। मैं जल्दी बाहर आऊंगा। जाओ जाओ। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें हम जिंदा लेकर जाएंगे। तुम वहां क्यों जा रही हो जबकि पब तो पीछे है? बाहर में जाओ, मैं उस बकवास जगह नहीं जाऊंगी। वहां वो लेडी है साली हरामी।
लेकिन हमें मदद की जरूरत है और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं वहाँ रुकी और तुम्हारी मदद की। हम इन सब में नहीं पड़ते अगर तुम वहाँ नहीं आती। बाहर में जाओ तुम, हमें कैसे पता होगा कि वो हमें बोट में आकर खाने लगेंगे। अगर तुम हमें नहीं बांधते तो शायद हम कुछ ना कुछ कर पाते। वो वैसे भी तुम सबको मार देते। हमने बचाया तुझे। मुझे बचाया? मेरा बॉयफ्रेंड उनसे अभी भी लड़ रहा है। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड शायद अब तक मर भी गए होंगे। मैंने भी अपना भाई खोया है और वो मेरा आखिरी परिवार था। देखो तुम्हारे भाई के लिए मुझे दुख है। देखो हमें साथ में मिलकर कुछ करना होगा अगर जिंदा बचना है तो। प्लीज तुझे जो करना है कर। चलो नो नो, उसके पास बंदूक है वो पब वाली औरत, उसके पास बंदूक है। जानती भी हो तुम कहाँ जा रही हो? हम किस रास्ते पर आ गए हैं? पागल हो गई हो? वो डरावना सा क्या था? वो हमें पकड़ने आए हैं।
हमें मजा आता है। क्यों कर रहे हो? मांस खाने में और जब तुम तड़पते हो तो हमें और भी ज्यादा मजा आता है, और जब तुम सांस नहीं ले पाते हो तब तुम लोग पागल हो। यही तो चाहते हैं, अगर तुम अंदर जाओगी तो अगला शिकार तुम होगी। तो क्या करें? मैं अंदर जाती हूँ, उनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम पकड़ लेना। तुम पक्का अच्छे परिवार से हो? मेरे बाप ने तो मुझे संभलने से पहले ही छोड़ दिया, और माँ भी अच्छी नहीं थी। मैंने अपना बेस्ट किया, मैक्स को बड़ा किया, प्रोटेक्ट किया, वो मेरे लिए सब कुछ था। वो एक अच्छी चीज थी मेरी लाइफ में जीने के लिए, उसे भी मार दिया राक्षसों ने, वो भी छीन लिया मुझसे। मैं कैट हूँ जेड़े, काश कह सकती अच्छा लगा तुमसे मिलके, काश मैं सब ना करती। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सब फंसे हैं, सब फंस गए हैं। वो अभी भी वहीं पर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो एन वक्त पे वहां से हट गया। बेन मेरे हाथों मारा गया।
हाथों मारा गया। हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं जा सकते, नहीं। बेहतर होगा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, ताकि तुम मदद लेके आ पाओ। नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मम्मी ने इसके बारे में बताया था मुझे। तुम जब भी तकलीफ में पड़ोगी तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। तुम रो मत, जाओ यहां से। तुम जाओ, मदद लेके आओ, जाओ। मैं इसको संभालता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। मुझे पता है तुम, अब जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताना चाहोगी वो क्या था तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं पता वो क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ वो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे, अगर मैंने मदद नहीं की तो वो उसे मार देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ, यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है। तुम ठीक हो जाओगी। तुम जख्मी हो? सिर्फ खरोच है। खैर, अब तुम सेफ हो। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। यहाँ बैक रोड में मुश्किल से है लोग मिलते हैं, वो भी इतनी आधी रात में। क्या आपने पहले यहाँ गाड़ी चलाई है? हमेशा से, बल्कि कंपनी का काम मैं रात में ही करता हूँ, क्योंकि काम हटके है इसलिए रात में करता हूँ। बायो केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, बेसिकली जो फैक्ट्री का कचरा होता है उसको मैं बाहर जाकर फेंक देता हूँ। परेशान मत हो, ये लीगल है। हाँ, बस कुछ कर्मचारी लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, जो इन्वायरमेंटल की हिफाजत करते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि किसी भी जानवर को कुछ ना हो जाए। खैर, ये सिर्फ उनकी सोच है, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कुछ तो परेशानी हो गई है। तरीके टायर फट गया है, बेकार। नहीं, 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 धीरे मत करो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें बस कुछ ही मिनट लगेगा। अगर ये नहीं किया तो और टायर दिक्कत करेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। सब ठीक हो जाएगा। हाँ।
परेशानी हो गई तुम्हें? पीछे देखो। मैंने बोला ना कहीं नहीं जा सकते जब तक टायर ठीक नहीं हो जाता। जल्दी। चले जाओ वापस, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उनके पास कान और आँख दोनों है। उनके पास कौन है वो? इस सोसाइटी के सारे लोग इसी तरह से जीते आए हैं। कुछ 35 साल पहले एक बुरे शिकारी परिवार ने अपने खाने के लिए इनको निशाना बनाया और वहाँ उन्हें ऐसी ही बीमारी हो गई। अभी अपना खाना ढूंढ रहे हैं। जब तक हम मरेंगे नहीं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ये रुकने वाले नहीं हैं। चले जाओ यहाँ से। हम इनके अगले शिकार हैं।
तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम से। मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे बाहर मिली। लेकिन कैसे, मैं यहाँ कैसे आई? हमें मदद की जरूरत है। मैंने माँ को वहाँ छोड़ दिया और बाकियों को भी, प्लीज। माँ ठीक है। कहाँ है वो? वो ऊपर है, थोड़ा आराम कर रहा है। वो बहुत जख्मी है लेकिन वो ठीक है। मुझे देखना है उसे। तुम जल्द उसे देखोगी, अभी आराम करो। वो मॉन्स्टर्स हमारे बोट में आ गए थे और हम पर हमला किया। उन्होंने मेरी बहन को भी मार दिया। रो मत बेटा, तुम यहाँ सेफ हो। आप नहीं समझ रहे, अगर उनमें से कोई यहाँ आ गया तो हम सबको मार देगा, सच में। अब तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। पागल मत बनो बेटा, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मुझे सच में भूख नहीं है। तुम्हें खाना होगा, तुम्हें इसकी जरूरत है। मुझे लगा आपने बोला कि फ्रेश मीट नहीं है। मैं अभी नया लाई हूँ। तुम्हारी बहन बहुत स्वादिष्ट है। तुम सब हो कौन? ये बस शुक्रवार की रात का मजा है। बाकी सब कहाँ है? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने मेरा परिवार खत्म कर दिया। मेरा परिवार राक्षस नहीं है। मेरा परिवार राक्षस नहीं है, हम भी अपनी भूख मिटाते हैं जैसे सब। तुम भी कोई अलग नहीं हो, तुम भी इस फूड चेन का हिस्सा हो। मैंने अपने लड़कों को बोला था कि कभी खाने के साथ खेलते नहीं, लेकिन तुम अलग हो। इसे किचन में ले चलो, हमारा नाश्ता अब यही है। तुम्हें ये जरूरत एहसास हुआ अपने किस्मत को आजमा के? कुछ और शक्ति भी है जो तुम मानती हो। तुम्हें इस जिंदगी में यकीन करना पड़ेगा, बहुत कम समय में तुमको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ,
तुम ये सोचोगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई मायने नहीं रखता। मेरा परिवार इस तरह से मांस सालों से खा रहा है, तुम पहली नहीं हो। और हाँ, क्योंकि तुम आखिरी भी नहीं हो। कुछ व्यक्तिगत नहीं है, कोई भी नहीं बच सकता। Thank you.